हर साल की तरह इस साल भी दशहरा के दिन शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली का आयोजन हुआ, पर इस साल की रैली का मकसद थोड़ा अलग था। रैली में बाल ठाकरे ने अपने पोते आदित्य ठाकरे को तलवार भेंट कर युवा ब्रिगेड की कमान सौंपी। साथ ही बाल ठाकरे ने इस रैली में अपने स्टाइल में कांग्रेस को हरी पोटी सुनाई। कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे हिजडे युपी इतके एकाचं चावायचं तरी कोणाला, सगळे झुकतात त्या सोनिया गांधीच्या समोर। त्यांची भूमी कशी नाही सुटत काय गेलं म्हणे, हा भगवा दहशतवाद आहे असं। हिरवा दहशतवाद तुम्हाला कधी दिसला नाही, भगवा दिसला, त्याचं कारण हे भगवेचं तेज आहे। बाप के बाद बारी थी बेटे उद्धव ठाकरे की। उद्धव इस रैली में शरद पवार पर जमकर बरसे। अरे ही सगळ्यांची फेर झाली, भ्रष्टाचार करायचं खाना खायचं। पहिल्यांदा शरद पवारांचं आयपीएल निघालं, आयपीएल निघाल्यानंतर मग कॉमनवेल्थ निघालं, कॉमनवेल्थ निघाल्यानंतर मग लवासा निघालं। झालं निघालं कसं आणि गेलं कसं कोणालाच कळलं नाही। आयपीएलचा घोटाळा एवढा मोठा होता, एवढा मोठा आहे। आता ललितपुरीच्या पाठीसाठी लागले, ससरीला लागले आहे, कारण ललितपुरी यांचं बिंग फोडेल म्हणून। बाल ठाकरे अपने पोते को राजनीतिक अखाड़े में उतार चुके हैं। उनके इस कदम को मराठी युवाओं को शिवसेना से जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, क्या वो उनका बेटा कर पाएगा।